अस्सलाम वालेकुम मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारे प्यारे बहनों, तवज्जो फरमाइए। अल्लाह अज्जे वजल आपको दीन और दुनिया के नेक कामों में बरकत दे। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज कायम करने की तौफीक दे। आशा करते हैं आप खुश और सेहतमंद होंगे। एक अंधा भिखारी था, अपनी आंखें छुपाए रखता था। उसका सवाल करने का अंदाज बड़ा अजीब था। वो लोगों से कहता, जो मुझे कुछ देगा उसको एक अजीब बात सुनाऊंगा और जो जायज देगा उसको एक अजीब चीज भी दिखाऊंगा। अबू इसहाक इब्राहिम अलैहि सलाम फरमाते हैं, किसी ने उसको कुछ दिया तो मैं उसके पास ही खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें दिखाई, मैं ये देखकर हैरान हो गया कि उसके आंखों की जगह दो सुराख थे जिससे आर पार नजर आता था। अब उसने अपनी दास्ताने हैरत निशान सुनानी शुरू की। मैं अपने शहर का नामी गिरामी कफन चोर था और लोग मुझसे बेहद खौफजदा हो जाते थे। इत्तिफाक से शहर का काजी बीमार पड़ गया। उसको जब अपने बचने की उम्मीद न रही तो उसने मुझे 100 दिनार भिजवाकर कहलवाया कि मैं उन 100 दिनारों के जरिए अपना कफन तुझसे महफूज रखना चाहता हूँ। मैंने हामी भर ली। इत्तिफाक वो तंदुरुस्त हो गया मगर कुछ अरसे के बाद बीमार होकर मर गया। मैंने सोचा कि वो अतिया तो पहले मर्ज का था, लिहाजा मैंने उसकी कब्र खोद डाली। कब्र में अजाब के आसार थे और काजी कब्र में बैठा हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सुर्ख हो रही थी। अचानक मैंने अपने घुटनों में दर्द महसूस किया। अल्लाह अज्जवजल के भेदों पर क्यों मुत्तला करता है। शर्फ सद्दूर।